हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आप देख रहे हैं क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला अपडेट्स आ रहा है वो आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम को लेकर। तो उनके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि उनका ऑलराउंडर मतलब एंड्रे रसेल पूरा फिट हो चुका है और वो अभी प्रैक्टिस पे भी उतर चुका है। इसका मतलब ये है कि एंड्रे रसेल को अब कोलकाता नाइट राइडर्स अपने पहले मैच से ही पाएंगे। लेकिन उनका जो एक और भी बड़ा प्लेयर है यानी कि सुनील नारायण, उनको अभी तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से एनओसी नहीं मिला है। इस साल पाकिस्तान क्रिकेट लीग में खेलने के दौरान उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर सवाल उठा था, उसके चलते अभी तक उन्हें एनओसी नहीं मिला है वेस्ट इंडीज बोर्ड से। तो लगता है नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहले एक या दो मैच मिस कर सकते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर। तो फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना नया कप्तान चुन लिया है इस साल आईपीएल 2018 के लिए और उनका नाम है न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियम्स और भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन घोषित कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि केन विलियम्स इनके अंडर न्यूजीलैंड काफी समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और उम्मीद है आगे चल के ये सनराइजर हैदराबाद के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कोच डेरन लेमन ने यह घोषित कर दिया है कि इस साल यानी कि 2018 में साउथ अफ्रीका टूर के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच अब नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। तो हमारा जो लास्ट अपडेट्स आ रहा है वो आ रहा है आईसीसी को लेके। तो रिसेंटली बॉल टेम्परिंग जैसे मैटर को लेके काफी हलचल हो रहा है पूरे दुनिया में। तो आईसीसी ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में ये घोषित किया है कि एक नया पैनल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें काफी सारे नामचीन खिलाड़ी रहेंगे और वो लोग इस चीज को देखेंगे क्रिकेट फील्ड में कोई चीटिंग हो रहा है या नहीं। उस लिस्ट में काफी सारे नामचीन खिलाड़ी जैसे एलन बॉर्डर, महिला जयवर्धन, अनिल कुंबले जैसे काफी दिग्गज खिलाड़ी रहेंगे। तो ये रहे आज के क्रिकेट अपडेट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि मेरे इस वीडियो के बारे में क्या रहा है और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए ना कहीं मत जाना क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज लाता रहता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।